बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, सीनियर लेक्चरर इन द सुपीरियर कॉलेज लाहौर। आवर टुडेज टॉपिक इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इन प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशनल प्रपोजिशन। Now we have by a conditional proposition. By means to. It corresponds to English P if and only if Q. P if and only if Q. By conditional, let P and Q be two propositions. The by conditional statement by implication भी नाम देते हैं हम इसको P if and only if Q, double arrow को हम कह सकते हैं, दोनों एरो के जो है दोनों हेड्स। इफ द प्रपोजिशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, अदरवाइज फॉल्स। इसमें हमारे पास ट्रू कब आता है, जब पी और क्यू जो हैं ये दोनों सेम होंगे। सेम होने का मतलब ये है कि दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे। अगर डिफरेंट होंगे कि एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स होगी। एज एन एग्जांपल हमारे पास एक पी प्रपोजिशन है, यू कैन टेक द फ्लाइट। क्यू प्रपोजिशन है, यू बाय अ टिकट। यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट, कि आप फ्लाइट ले सकते हैं अगर आपने, एक ही सूरत पॉसिबल है कि आपने टिकट बाय की होगी। इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेटमेंट को जो है वो यहां पे लिखता हूं, यू कैन टेक अ फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। So this is our example. Now we will see its possibilities. I will write three more propositions from this. You can take a flight if and only if you buy a ticket. You cannot take a flight if and only if you buy a ticket. You can take a flight if and only if you do not buy a ticket. You cannot take a flight if and only if you do not buy a ticket. These are the conditions, four conditions, four possibilities. A flight ले सकते हैं अगर आप टिकट खरीदते हैं, number one, दोनों true। अगर आपने फ्लाइट ली और टिकट बुक ली इफ एंड ओनली इफ दोनों सेम, तो आउटपुट इज ट्रू, नो इश्यू ना। आप फ्लाइट ले सकते हैं अगर आपने टिकट खरीदी है तो। यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट इफ यू इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट, क्या आप फ्लाइट नहीं ले सकते अगर आप टिकट खरीदेंगे तो। दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। आप टिकट क्या क्या करेंगे, मतलब एक फॉल्स हो गया, यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट इज फॉल्स। इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट, आपने टिकट खरीदते हैं लेकिन फ्लाइट नहीं लेते, ये नहीं हो सकता। यू कैन टेक अ फ्लाइट, आप फ्लाइट ले सकते हैं इफ एंड ओनली इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट, कि अगर आप टिकट खरीदेंगे नहीं लेकिन फ्लाइट ले सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है भाई। यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट, आप फ्लाइट नहीं ले सकते इफ एंड ओनली इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट, क्या जब तक आप टिकट नहीं खरीदेंगे तो। ये बात भी ठीक है ना, आप फ्लाइट भी नहीं ले सकते और टिकट भी नहीं खरीदते। तो जनाब जो सेकेंड और थर्ड है ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्लाइट ना लें और टिकट आप खरीद लें, या आप फ्लाइट ले लें और टिकट ना खरीदें। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, सेम, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स। तो आउटपुट क्या होगी, ट्रू होगी अगर सेम होंगे और फॉल्स होगी जब डिफरेंट होंगे। इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, P if and only if Q has same truth values as P implies Q and Q implies P।
मतलब इसमें क्या होता है कि p q को imply करता है, if p then q होता है, और and if q then p होता है. जब if q then p होगा तो उसमें पहला true और दूसरा false, तो वो क्या हो जाएगा, false हो जाएगा. ओके हो गया जी. ये मैं आपको बता देता हूं कि ये सेम कैसे है. ये अभी जरा ट्रुथ टेबल देखिएगा, इसमें जरा दोनों देखिएगा. पहले दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं, तो ट्रू आ गया, मतलब दोनों सेम थे. और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आ गया. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया. और दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गया है. ये सेम कैसे है ऊपर की तरह, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको जरा गौर से देखिएगा. ये लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट जो होती है पी एफ एंड ओनली एफ क्यू की, ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू आता है. मैं यहाँ पे जो है वो एक ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रा करता हूँ. अभी हमने यहाँ पे जो है वो देखा है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू जो है वो इक्वल है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू जो है वो इक्वल है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी के इक्वल. तो ये पी प्रपोजिशन है. ये हमारे पास इसकी प्रपोजिशन जो है, ये दो हम फॉल्स लिखेंगे, दो हम ट्रू लिखेंगे, और फिर एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू आ गया. ये मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट जो है एक पूरे कॉम्बिनेशंस पूरे करने के लिए ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. अदरवाइज इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि दो फॉल्स और दो ट्रू क्यों आ रहे हैं और एक फॉल्स एक ट्रू क्यों आ रहा है. वो जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो हम लिख रहे हैं. तो ये देखें ज़रा, पी इम्प्लाइज क्यू. पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है. तो पहले दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ट्रू, अगला फॉल्स क्योंकि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, और ये ट्रू. फिर हम अगर यहाँ पे फाइंड करें क्यू इम्प्लाइज पी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ. क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी क्या होगा. अब हमने पहले क्यू को देखना है फिर पी को देखना है. क्यू में पहला फॉल्स, पी का पहला फॉल्स, तो ये ट्रू आ गया. क्यू का पहला ट्रू और पी का फॉल्स, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा. और फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, क्यू का पहला फॉल्स है और दूसरा ये ट्रू है पी का. अब हम पहले क्यू को कंसिडर कर रहे हैं और फिर पी को देख रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा. आखिरी में दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा. अब हमने इन दोनों का एंड फाइंड करना है. ये जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, एंड. ये एंड का साइन आ गया और ये आ गया जी हमारे पास पी, और ये आ गया क्यू. इन दोनों में एंड फाइंड करना है. व्हाट इज एंड? एंड में हमने पढ़ा था कंजंक्शन. कंजंक्शन में पढ़ा था दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स. तो इन दोनों को देखना है हमने. ये जो दो हमारे पास कॉलम्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, Q implies P, इन दोनों का एंड. पहले दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा. अगले दोनों में एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा. अगले में एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स आ जाएगा. अगले में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा. और जरा देखिएगा इसमें, ये जो हमने फाइंड किया है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये एक प्रपोजिशन थी एंड सेकंड वन इज क्यू इम्प्लाइज पी. तो ये वही कॉलम है, इसकी आउटपुट ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू जो कि हमने यहां पे पढ़ी थी इफ एंड ओनली इफ की. तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू हैज सेम ट्रूथ वैल्यूज एज पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी. सिंपल याद रखने के लिए आसान सा है कि आप जो है वो जो दो सेम वैल्यूज होंगी, जो दो सेम वैल्यूज होंगी उनके लिए ट्रू होगा, और जो दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी उनके लिए फॉल्स होगा. नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. व्हाट इज प्रेसिडेंस? प्रेसिडेंस मींस फोकियर, कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे या किस ऑपरेटर को. ऑपरेटर मीन ऑर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, कंडीशनल, बाय कंडीशनल. ओके ओके जी. तो प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या हैं,
हम सबसे पहले जो है वो नॉट ऑपरेटर को रखेंगे, प्रेसिडेंस में फोकियत है, नंबर वन पे है इज नॉट गेट, नंबर टू पे है एंड गेट, फिर है और गेट, फिर है कंडीशनल मीन्स इम्प्लीकेशन, और फिर है बाय कंडीशनल मीन बाय इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चंद प्रपोजिशंस हैं जो कि जिनका हम कुछ नाम स्पेसिफिक रखते हैं, निक नेम रख लेते हैं जैसे आप अपना। तो ऐसी प्रपोजिशंस जिनकी आउटपुट हमेशा ट्रू आती है, ऐसी प्रपोजिशंस जिनकी आउटपुट हमेशा ट्रू आती है उनको हम टोटालोजी कहते हैं। ऑल जो लास्ट हम फाइंड कर रहे होते हैं आखिरी कॉलम, वो अगर सारी आउटपुट जो है वो ट्रू हैं उसको हम टोटालोजी कहते हैं, अगर सारी की सारी फॉल्स हैं तो उसको हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। अगर टोटालोजी भी नहीं है, कंट्राडिक्शन भी नहीं है, मीन्स उसमें ट्रू भी आ रहे होंगे और उसमें फॉल्स भी आ रहे होंगे, तो उसको हम कॉन्टीजेंसी कहते हैं। अभी तक जो हमने जितने भी ट्रुथ टेबल्स ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो निगेशन का था, उसके बाद एंड का था, डिसजंक्शन का था, उसके बाद इम्प्लीकेशन का था, बाय इम्प्लीकेशन का था, तो वो कॉन्टीजेंसी हैं, वो उनमें से कोई भी टोटोलॉजी नहीं है और उनमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनमें ट्रू और फॉल्स मिक्स आ रहे थे। मैं यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल जो है वो जनरेट करता हूँ जो कि टोटोलॉजी होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये टोटोलॉजी है, कैसे हम जो है वो जनरेट करते हैं। मेरे पास एक प्रपोजिशन है पी, एक प्रपोजिशन है क्यू, ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ नॉट पी, मैं ये साइन यूज़ कर लेता हूँ पी के लिए, नॉट पी के लिए। तो नॉट पी जो है वो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। नॉट पी, नॉट पी में क्या है, निगेशन ऑफ पी, वो दो पहले फॉल्स थे तो पहले दोनों ट्रू हो गए, अगले दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जनाब, मैं एक कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ ट्रुथ टेबल, वो ट्रुथ टेबल क्या है, निगेशन ऑफ पी नॉट पी और क्यू, नॉट पी आर क्यू, और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू तो आउटपुट इज ट्रू। जरा देखिएगा, नॉट पी, दिस इज नॉट पी एंड दिस इज क्यू, और फाइंड करना है इन दोनों में, तो पहला एक ट्रू है फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू अभी मिल गया, अगले में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा, अगले में दोनों फॉल्स हैं तो दिस में इज फॉल्स, अगले में एक फॉल्स और एक ट्रू है तो ये पी ट्रू है। और एक ट्रुथ टेबल है मेरे पास पी इंप्लाइज क्यू का, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का आपको पता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आता है अदरवाइज ट्रू होता है, तो पी और क्यू का हम देख रहे हैं दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो जाएगा, पहला फॉल्स है और क्यू जो है वो ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा और दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। अब जनाब ये जो हमने फाइंड किया है दो टेबल्स, मैं इन दोनों के दरमियान जो है ना वो फाइंड करने लगा हूँ बाय इम्प्लीकेशन, एक बाय इम्प्लीकेशन, एक ये हो गया नॉट पी आर क्यू का और जो पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड किया है इनका मैं फाइंड करने लगा हूं बाय इम्प्लीकेशन। पी इम्प्लाइज क्यू इन दोनों का, ये जो हमारे पास दो हमने ट्रुथ टेबल्स जनरेट किए हैं नॉट पी आर क्यू का, इनका बाय इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन में दोनों सेम तो ट्रू, जरा देखिएगा फर्स्ट दोनों ट्रू हैं तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दोनों फॉल्स हैं मीन्स सेम है तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सारी आउटपुट जो है वो ट्रू आई हैं। अगर ये सारी आउटपुट जो हैं वो ट्रू आई हैं तो इस प्रपोजिशन को, ये जो हमारे पास है नॉट पी आर क्यू बाय कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम कहेंगे कि द
this proposition is called tautology. अगर ये सारे false होते तो हम इसको contradiction कहते, और अगर ये mix होते, जैसा कि ये column है, इसमें true भी हैं, इसमें false भी हैं, यह एक contingency है, ये भी contingency है, okay okay जी, ये भी contingency है, तो contingency, mix, contradiction, only false, tautology, सारे के सारे outputs है, true, okay okay जी, next है हमारे पास, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक p proposition थी और एक not p proposition थी, तो उनके दोनों के दरमियान R जो है वो find किया गया है, P और not P. तो इसको आप जरा गौर से देख सकते हैं कि ये true आ रहा है, तो इसको tautology कहेंगे, और उन्हीं दोनों के दरमियान and find किया है, तो वो सारे false आ रहे हैं, उसको हम contradiction कहेंगे. ठीक हो गया जी. Next जो है वो हमने एक्सक्लूसिव और जो है वो पढ़ना है. व्हाट इज एक्सक्लूसिव और? तो एक्सक्लूसिव और जो है वो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो कि निगेशन है बाय कंडीशन की, जो कि निगेशन है बाय कंडीशन की. इसमें क्या होता है कि अगर दो प्रोपोजिशंस सेम होंगी तो फॉल्स आएगा, अगर डिफरेंट होंगी तो ट्रू आएगा. ये निगेशन है किसकी? बाय कंडीशन की. बाय कंडीशन में था सेम होगा तो ट्रू, डिफरेंट होगा तो फॉल्स. प्रपोजिशंस डिफरेंट, डिफरेंट होने का मतलब ये है कि एक ट्रू और उनकी ट्रूथ वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगी तो. ट्रूथ वैल्यूज मींस ट्रू फॉल्स. तो इसमें क्या है, अगर ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी तो फॉल्स आएगा, और अगर ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो दोनों प्रपोजिशंस की डिफरेंट होंगी तो ट्रू आएगा. Let P and Q be two propositions. The exclusive R of P and Q denoted by P exclusive Q. ये sign है exclusive का. Is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true. Exactly one मतलब एक, exactly one सिर्फ एक true होगी, मतलब दूसरी फिर false होगी ना, तो different हो जाएगी. Otherwise false. Otherwise false होने का मतलब है कि अगर same होगी तो. पहले जो है दोनों false है, उनमें true है ही नहीं कोई भी. आखिरी वाले में दोनों सेम है, दोनों ट्रू है, तो हमें तो सिर्फ एक ट्रू चाहिए, तो भी ये फॉल्स है. ओके जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बाय कंडीशनल पढ़ा, जिसमें हमने टॉटोलॉजी पढ़ा, कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद कॉन्टीजेंसी थी, और फिर हमने एक प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ा एक्सक्लूसिव आर. एक्सक्लूसिव आर जो है ये बाकी जो कंडीशनल कंडीशन हैं, बाकी जो प्रपोजिशन हैं उनको मिला के बनाया जाता है. ओके ओके जी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिक्स. हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम प्रपोजिशन में, लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा कि अभी यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, जैसा कि ये यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, इफ इट इज रेनिंग देन इट इज क्लाउडी. तो ये जो हमारे पास प्रपोजिशन है इंग्लिश में लिखी हुई है सेंटेंस, तो इसको हम लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर देंगे. अगर आप C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आपके पास एक स्टेटमेंट ही होती है, स्टेटमेंट होती है इंग्लिश की, उसको आप फिर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हेल्पफुल होगी लॉजिक स्टेटमेंट्स को लॉजिक्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज़.